हाय फ्रेंड्स, मैं हूं किशन के बालसरा। मेरी यूट्यूब चैनल द डिजाइनर टाइल्स में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई घर की छत के ऊपर कौन सा टाइल लगता है। आज आप अपना खुद का मकान बना रहे हो या तो फ्लैट बना रहे हो या तो भाड़े के मकान बना के बेचते हो तो आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई घर की छत है उसके ऊपर टेरेस के ऊपर कौन सा टाइल लगाए, या तो आपका खुला टेरेस है या तो पूरे का पूरा छत ही है तो उसके ऊपर कौन सा टाइल लगाए। तो आज मैं आपको टाइल्स के बारे में बताऊंगा, उसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा, वो एक बक्से में कितना स्क्वायर फीट काम देगा वो बताना चाहूंगा, और चाइना मोजैक लगाने के बाद कैसा दिखता है और ये पूरा टाइल लगाने के बाद कैसा दिखता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो ये मेरे सामने आप देख सकते हो जो है 4 इंच बाय 4 इंच का टाइल्स है ये पूरे का पूरा। ये भी आप छत में लगाना हो, आपका बजट अच्छा हो तो ये आप लगा सकते हो। ये प्रीमियम आप मार्केट में लेने जाओगे तो 450 या 500 रुपए का बक्सा आएगा। इसमें मल्टी कलर है, इसमें आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर मिल जाएगा। तो ये बात हुई 4x4। ये है 6x6 का साइज, जो 4x4 से थोड़ा बड़ा है। इसका रेट उससे 50-60 रुपये महंगा रहता है। ये भी आप छत में डालना हो तो डाल सकते हो। ये ग्लोसी और मैट दोनों ऑप्शन में मिल जाएगा। इसमें भी आपको जितने भी कलर चाहिए तो कलर मिल जाएंगे। फिर आता है उससे सस्ता रेंज, ये जो है 8x12। पहले बहुत आपने पुरानी छत देखी हो तो सभी 8x12 ही डालते थे। इसका बक्से का वेट 7.5 से 8 kg आता है और ये मार्केट में आप लेने जाओगे तो 100-110 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा और 100% वाटरप्रूफ रहता है। ये भी इसमें आपको व्हाइट कलर ही मिलेगा और इसमें ग्लोसी और मैट दोनों मिल जाएगा इसमें आपको। फिर ये आता है, ये है ऐसे 4 इंच है, ऐसे 12 इंच है, यानी 4x12 का ये जो ब्रिक्स है इसको भी आप मल्टी कलर डाल के आप अपना छत का पैटर्न में लगा सकते हो। मैं ये समझाने के साथ साथ आपको बाद में फोटो भी देखने को मिलेगा भाई ये लगाने के बाद कैसा दिखता है। ये आप मार्केट में लेने प्रीमियम का बक्सा लेने जाओगे 550-600 रुपये का बक्सा आएगा। इसका ये आप सेकंड लेने जाओगे तो ये 200-250 के बीच में आ जाएगा। इसमें आपको सेकंड में भी अच्छा रहेगा और प्रीमियम में भी अच्छा रहेगा। आपका बजट है तो प्रीमियम डालो, आपका बजट कम है तो आप सेकंड डालो। फिर आएगा 1x1। ज्यादातर आपने जो भी छतें देखी होंगी सबकी छतों में 1x1 ही लगा रहता है। इसका बॉडी जो रहता है वो सिरामिक बॉडी रहता है और पोर्सलिन बॉडी दोनों में ही रहता है। ये पूरे का पूरा जो बॉडी है वो सिरामिक बॉडी है, इसमें पोर्सलिन बॉडी भी रहता है। ये जो 1x1 है ज्यादातर आप छत पे देखो तो ज्यादातर यही टाइल्स लगता है 1x1। ये 100% वाटरप्रूफ आता है, 8.75 काम देता है। ये मार्केट में आप लेने जाओगे तो 200-250 के बीच में बक्सा ही आपको मिल जाएगा। फिर इसका वेट आता है 10-10.5 kg के करीबन इसका वेट आता है। ये भी 100% वाटरप्रूफ है। फिर आता है ये भी 1x1 का ही साइज है। आपको हेवी बॉडी में चाहिए, हेवी स्ट्रेंथ में चाहिए तो इसका थिकनेस 8.5 से 9 mm के बीच में रहता है। इसका बॉडी जो रहता है पूरे का पूरा विट्रीफाइड बॉडी रहता है, इसलिए ये सिरामिक बॉडी से महंगा भी है और उससे अच्छा भी है। ये सबसे हेवी छत के ऊपर जो आपको बालकनी है वहाँ पे लगाना है तो ये आप लगा सकते हो, खुला बालकनी है। ये भी 100% वाटरप्रूफ आता है। ये आप मार्केट में लेने जाओगे तो 225-250 के बीच में इसका बक्सा आपको मिल जाएगा। इसमें भी ये विट्रीफाइड बॉडी है इसलिए डिजिटल भी आप बोल सकते हो, तो डिजिटल में आपको जैसा कलर जैसा फिनिश वुडन इफेक्ट वाला कोई भी आपको चाहिए वो डिजाइन इसमें मिल जाता है। फिर आता है कुल रूफ टाइल, ये जो है जो शेड अपना पत्रे का जो शेड लगा रहता है उसके ऊपर ये इंस्टॉल होता है। ये भी पूरे का पूरा है, वो पोर्सलिन बॉडी वाला है जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये भी आपको छत में डालना है तो डाल सकते हो। ये इसका बक्सा आपको मिनिमम 300-350 रुपए में बक्सा आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये जो आइटम है वो चाइना मोजैक में यूज होता है, जो पूरे का पूरा विट्रीफाइड बॉडी रहता है। इसमें हेक्सागन भी आता है। ये है ना स्विमिंग पूल में लगने वाला टाइल्स है, विट्रीफाइड बॉडी रहता है, लेकिन जो इसका जो सेकंड का मटेरियल रहता है उसमें से ये चाइना मोजैक बनता है। जैसे ये सेकंड का मटेरियल है,
इधर से ये सेकंड का मटेरियल है, आपको पता चल जाता है। तो अपना छत छत में ऐसा कोई लगाने में कोई दिक्कत नहीं रहता है। इसके ऊपर जो सीमेंट आ जाता है, वाइट सीमेंट या तो एप्रोक्सी डालो, कुछ भी डालो, तो इसमें पता नहीं चलता आपको क्या लगाया है, चाइना मोजेक लगाया है नहीं लगाया है। अभी मैं आपको चाइना मोजेक हमारी छत पे इधर लगा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो सिरामिक बॉडी वाला लगाया है हमने, तो अभी हम वो देखते हैं। ये हमने हमारी छत के ऊपर जो चाइना मोज़ेक किया है उस वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इधर हमने ये डिज़ाइन किया है चाइना मोज़ेक का। ये सब मिक्स में मटेरियल रहता है, इसमें वाटरप्रूफ भी रहता है, नॉन वाटरप्रूफ भी रहता है। तो ये लगाने में आपको पहले समझना चाहिए कि भाई ये वाटरप्रूफ टाइल्स है या नॉन वाटरप्रूफ टाइल्स है। अगर नॉन वाटरप्रूफ टाइल्स आपने लगा दिया है ये चाइना मोज़ेक के तौर पर, तो आपका पूरे का पूरा जो घर में जो है वो बारिश में पानी भी आने लगेगा, तो वो बहुत ध्यान रखना है। तो इसमें जो 100% वाटरप्रूफ आए टाइल उसका ही आपको चाइना मोज़ेक करना है। लास्ट में चाइना मोज़ेक की हमारी छत दिखाई, वो ऐसा मटेरियल है कि आपको बोरी में मिलेगा, टन के हिसाब से इसका रेट रहता है या तो केजी के हिसाब से रहता है। टन के हिसाब से आप रेट का अंदाजा मैं आपको दूं तो ये 5-5.5 हजार का टन गिरता है, और केजी के हिसाब से इसका मैं आपको अंदाजा दूं तो ये 5 या 6 रुपए केजी पर 5 या 6 रुपए पर केजी में मिलता है। तो ये ऐसा मटेरियल है, पहले आपको चूज करना है कि भाई ये आइटम आप 100% वाटरप्रूफ डाल रहे हो या तो सेमी वाटरप्रूफ है। अगर सेमी वाटरप्रूफ भी रहेगा ना, फिर भी आपके छत में ऊपर से नीचे तक पानी आएगा। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि जो भी आप टेरेस में आप टाइल डालें, जैसे 1x1 का डालें तो वो बेस्ट है, 4x12 का डालें तो वो भी बेस्ट है, 4x4 का डालो तो भी बेस्ट है। चाइना मोज़ेक डालो तो आप विट्रीफाइड टाइल्स का चाइना मोज़ेक डालो, या तो सिरामिक जो 100% वाटरप्रूफ टाइल रहता है उसी का ही चाइना मोज़ेक डालो। ऐसा ही आप फोकट में वो जत्थे के हिसाब से लेने जाओगे तो आपको भी महंगा गिरेगा, और अगले साल छत के नीचे, छत के जो छत में आपने चाइना मोज़ेक लगाया उसके नीचे घर में पानी भी आना शुरू कर देगा। तो ये था मेरा वीडियो। तो मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक नए व्यक्ति को मेरा नया वीडियो मिले। और आपको ऐसे ही मेरे नए वीडियो देखने हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप मोरबी में आए हो तो हमारा मैं आपको एड्रेस भी दूंगा कि हमारा नाम शोरूम का एजेक टाइल्स से 8 नेशनल हाईवे नियर ऑनेस्ट होटल के बाजू में है। फिर ये 8 नेशनल हाईवे पड़ता है, लालपुर में पड़ता है। और मोरबी आप आए हो तो एक बार विजिट कीजिए, आपको कोई भी टाइल्स, सैनिटरी, नेचुरल स्टोन या तो किसी भी सिरामिक के बारे में आपको कुछ भी क्वेश्चन आंसर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मेरा तुरंत ही आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच।